सर उसमें हम काम किए हैं, उस गंदगी को देखे हैं, इसलिए हमको मतलब पत्रकार एक गंदगी है। जी जी आप गंदगी का एकदम से गंदगी है। पत्रकार अगर चाह लेगा तो कहीं गलती नहीं हो सकता है। और सुनिए सर, गंदगी कैसे कर रहे हैं? तो नहीं सवाल बोल रहे फिर जी जी गंदगी कैसे, इसलिए कह रहे हैं कि पत्रकार के जेब में पैसा मिलता है, आंख मूंद के चला जाता है। कौन से पत्रकार आपसे? ढेर सारे सर जी, हम भी इसी खेत के मूली थे कल। और तो मतलब ये आप मानते हैं आपसे पैसा लेता है? जी हम भी पत्रकारिता करके पत्रकार क्या होता है उसको समझ के उसके बाद छोड़ के ये सीमेंट। कौन से चैनल? और चैनल में नहीं करते थे, दैनिक जागरण में करते थे। दैनिक जागरण जी पूर्व रिपोर्टर है। जी कितना दिन आप रिपोर्टर हैं? लमसम 5-7 साल किए, देख लिए पत्रकार क्या करता है, पत्रकार क्या सब कर सकता है, पत्रकार के जेब में रुपया है पत्रकार, इसलिए हमें पत्रकार पे चिढ़ा, पत्रकार को जब देखते हैं तो उस पर चिढ़ आता है, इसीलिए आप हम पे गुस्सा गए। जी सत्य बात है, पत्रकार सुनिए सर, पत्रकार काम देखने नहीं आता है, पत्रकार अपना जेब भरने आता है। अच्छा ये बताइए ना, हमारी टीम आई आपसे पैसा का मांग किया जाता नहीं, आप नहीं तो आप पत्रकार कैसे बोल रहे सर? हम नाम नहीं लेंगे। ऐसा भी पत्रकार यहाँ आया, 1000 रुपया जेब में दे दिया, उसके बाद आज तक दिखा नहीं, फिर 2-4 महीना में आएगा, 1000 रुपया दे देगा, फिर चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के उदय किशनगंज अनुमंडल मुख्यालय के खारा में। और ये जिस जगह हम हैं ये यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बन रही है, कितने के लागत से बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बोर्ड लगी हुई है या न लगी हुई है, वो सारे चीज़ आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पाएंगे। लेकिन मैं एक जानकारी आपको और बता देना चाहता हूँ कि कितने के लागत से ये बना है, वो जानकारी मेरे माध्यम से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो वर्कर हैं, जो यहाँ कर मुंशी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करवाऊंगा। आप ईटा बिछा हुआ देख रहे होंगे, ये भी आपको 3 नंबर का ईटा नज़र आता हो ही होगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ, जो छड़ होनी चाहिए वो दृश्य आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस गैपिंग का, इस सब का सारा चीज़ का। और जो कंप्लीट है वो भी आप दिखाइए इनका, कि दो चीज़ और बताएंगे, एक चीज़ और बता देंगे कि लागत जो है कितने की लागत है वो हम नहीं दे पाएंगे जानकारी, कारण है कि यहाँ पे बॉडी नहीं लगा हुआ, और जानकारी जो है यहाँ के जो कर्मी हैं जो काम करवा रहे हैं उनसे हम आपको बात करवाएंगे। ये लीजिए लेपिंग डाया, 16 mm का सरिया है, 1 फीट लेप दिया है, 1 फीट। हाँ देखिए ना, देख लीजिए यहाँ का स्थिति क्या है, जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है वो पहले ही तो आप ग्राउंड जीरो से जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर किस हिसाब से काम हो रहा। और दूसरी बात, मैं यहाँ से चलूँगा जहाँ पे ईटा है, और कितने के मटेरियल से ये जो मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, कितने का जो बनाकर मसाला दे रहे हैं, वो भी हम आपसे बात करवाएंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ तो है, ईटा आपको 3 नंबर का ही प्रयोग किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश। मुकेश कब से काम कर रहे हैं? तो काम कर रहा अभी 10 दिन से। मिस्त्री हैं आप? हाँ। कितने का माल दे रहे हैं ये? ये है 6 एक का माल है, 6 एक का, 10 इंची में, 10 इंची में 6 का माल, 5 इंची में, ये 5 इंची में 3 एक। हाँ। इसके जो इस सारा आप ही ने बनाए कि और फिर दूसरा मिस्त्री? हाँ, हाँ। आप बाद में आए या कोई बनाए? आप ही बना रहे हैं जी, जी, से। हाँ जी। इसमें छड़ भी डाले? हाँ। कै गो छड़ डाले? डाले लंबाई में 4 गो। इसमें 4 छड़ डाले हैं? इसमें 2-2 करके नीचे ऊपर करके है, नीचे भी डाले, नीचे भी डाले। हाँ 4। ईटा का नंबर है? ईटा तो यही आपको सामने में है ना, हम तो देख ही नहीं, आप मिस्त्री आप बता सकते हैं। तो 3 नंबर है ईटा, 3 नंबर का यूज हो रहा है, देखिए मिस्त्री खुद बता रहा है 3 नंबर का यूज है। अब ये शुरू से आप ही ना काम कर रहे हैं कि कोई और दूसरा मिस्त्री था? नहीं है, सब मिस्त्री भी है। नंबर 1-2 नंबर है कि 1 नंबर है? अरे ये 1 नंबर, 3 नंबर आपको कहां से इतना दिख रहा है? आप तो बोल रहे हैं मिस्त्री से, मिस्त्री ने बोल रहा बता भैया बताइए। हाँ बताइए 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 बताइए, आप ही बताइए, आप ही बताइए। ये ईटा, ये 1 नंबर ईटा है? 1 नंबर ईटा जी। क्या नाम है मुंशी जी आपका? अवधेश कुमार सिंह। गुस्सा क्यों रहे आप? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं 3 नंबर ईटा, इसलिए गुस्सा रहे हैं मतलब, और वो ईटा नहीं लगना है। एक मिनट सुनिए, आप सुन लीजिए, आप जो दिखा रहे हैं चैनल पे वो ईटा नहीं लगना है, वो ऐसे, हाँ वो मटेरियल जमीन पे जाएगा, इसलिए वो ईटा दिए हैं अपना सहूलियत के लिए। इनकी बातचीत कर रहे हैं? हाँ वो 1 नंबर ईटा है, वो उसकी बातचीत कर रहे हैं। हाँ ये ईटा 1 नंबर सही है, मतलब घुसा नहीं रहे हैं, ये ईटा 1 नंबर घुसाना, सुनिए ये ईटा 1 नंबर है, वो ईटा हम सेफ्टी के लिए लगाए। हाँ वो तो हम ही जान रहे हैं कि उसको आप मार डालिएगा, ईटा का कोई काम नहीं है, तो वो सेफ्टी के चला जाएगा, वो सेफ्टी के लिए लगाए। और जो उधर दिखा रहे हैं सरिया वरिया, वो सब आधा अधूरा काम है, आएगा मिस्त्री पूरा करेगा। ये दिखाइए, ये हाँ ये आधा अधूरा, वो ठोक जो लगा हुआ है उसको आप दिखा सकते हैं, इधर आ जाइए, उधर जो जहाँ ठोक लगा है उसको दिखाइए। उसमें क्या कमी, कारण क्या है, ऐसे ऐसे दे रहे हैं? लेबर नहीं आया है, उसमें अभी बहुत कारण है।
वो तो कंप्लीट हो, ऑलरेडी आपने कंप्लीट, आपको लग रहा है कंप्लीट, लेकिन मेरे हिसाब से वो कंप्लीट नहीं है। ठीक, वो कंप्लीट वहाँ देखिए, उसमें भी 10% 20% काम बचा हुआ है, लेबर आएगा उसको ठीक करेगा और इसमें फिर से आप काम करवाएंगे। जी, क्या नाम हुआ मुंशी जी आपका? मेरा नाम हुआ अवधेश कुमार सिंह जी। कहाँ घर है आपका? मेरा यही घर है और यहीं पे है जी। और दूसरी बात हमको ये बताइए कि बोर्ड यहाँ पे क्यों नहीं लगा हुआ? ये सर बोर्ड क्यों नहीं लगा, ये तो ठेकेदार का बात है, ये वो बता सकते हैं बोर्ड क्यों नहीं लगा। आप मुंशी हैं? नहीं, नहीं बोलते हम सर। ये हम इतना इस हमारा ये गारंटी है कि यहाँ पे काम गलत नहीं होने देना है। ठीक, ग्रामीणों ने 2-4-10 आदमी मिल के वो हमको चूज करके इसमें लगाया, तुम देखो काम गलत कहीं नहीं, मतलब आपका घर इसी जगह जी 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 देखना ही है। जी, मतलब हमारे गांव में जो काम हो रहा है उसमें गलती कहीं ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुंशी जी और थोड़ा सा अपने सहयोगी से चलेंगे, थोड़ा सा ही है, चलते चलते कुछ और बात करते हैं आपसे जी। तो ये बताइए कि वो मटेरियल जो सीमेंट का जो माल बन रहा है जी, वो क्यों इस तरह से दिया जा रहा है? वो सर वो देखिए तसला कितना बार छोटा है, उस तसला से अगर वो लोग 12 बार देता है तो उसमें से लमसम 3 बार निकल जाता है, 3 तसला सीमेंट निकलता है, लगभग थोड़ा सा कम जाता है 3 से 3 तसला सीमेंट निकलता है, तो वो तो लमसम ठीक ठाक ही है। तो हम देख रहे हैं खुद, हम इस गांव के लोग हैं और पटना ठेकेदार पटना का है, तो हम नहीं समझेंगे हमको क्या करना है कैसे। जब आप इसी गांव के हैं, आपको मुंशी में रखा गया, तो आपने ठेकेदार को क्यों नहीं बोलते हैं कि सर बोर्ड लगवा दिया? ये देखिए बोर्ड पता है, हमको सुनिए बोर्ड का एक्चुअली हमको पता भी नहीं था बोर्ड क्या है, एस्टीमेट क्या है। हम इधर बीच में एक बार हल्ला हुल्ली किए थे गाँव वाले लोग, तो उस टाइम हमको यहाँ पे रखा गया, तो हम पूछे भी नहीं, कभी सवाल भी नहीं किए। उसके बाद क्या कहते हैं इंजीनियर साहब आते हैं, वो रोज चेक करके जाते हैं, हाँ भाई ये सही है ये गलत है, तो उसके हिसाब से काम करते हैं। उस इंजीनियर साहब से क्या कहते हैं सवाल जवाब करते हैं, हाँ भाई यहाँ पे क्या है ये क्या है। कितने की लागत से बन रही है ये भी नहीं, बताए मुंशी जी हैं आप तो आपको पता नहीं है? नहीं नहीं ये पता ठेकेदार साहब ही बताए। फिर आप कैसे रह गए? हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या कहते हैं मसाला ठीक ढंग से, गांव के हैं और आप मुंशी में हैं, आपको ये पता नहीं है कि ये कितने की लागत से बन रही है, क्यों नहीं पता है आपको ये? इसलिए अच्छा मुंशी का पद छोड़ दीजिए आप, हमको मुंशीगिरी नहीं करना है जी। आम नागरिक के हैसियत से आपको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं जानकारी जरूर होनी चाहिए, लेकिन सुनिए सर जानकारी इसलिए नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए, हमको ये जानकारी है बस, कहीं गलत ना हो। जहाँ जो मांग रहा है योजना से आपको कोई मतलब नहीं है कितना का? नहीं कितना का योजना है उससे हमको क्या लेना देना, वो तो ठेकेदार जाने कितना उसमें बेनिफिट है कितना उसको घाटा लगेगा। तब तो आप इस जगह के ग्रामीण नहीं है, आप तो एक कंपनी के मुंशी के तौर पे आ गए, आपको उतना पता। लेकिन आप ये बताइए कि योजना आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं, अगर कोई पत्रकार आए कोई? अभी जरूर देनी चाहिए। तो फिर आपने अगले अधिकारी जो है आपके विभाग के उनसे क्यों नहीं पूछते कि सर हमारे गांव में या हमको जिस काम में आप लगाए हैं वो कितने की योजना है? क्योंकि जवाब तो हमको देना है लोगों जी, को जी 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 जवाब तो देना आप है, क्यों नहीं पूछे? एकदम पूछ लेंगे आप, ये सुनिए आप पूछिएगा जी जी, क्योंकि जब आदमी को आगे बढ़ता है जो परिस्थिति आता है तो उसके बाद उसको जवाब जब देना पड़ता है तो अपने आप दिमाग खुलने लगता है। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? जी जी पढ़े लिखे हुए हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं जी पढ़े लिखे हुए हैं, पूछ लेंगे। सुनिए सर पढ़े लिखे हैं इस गांव में, मतलब ये है कि हाँ जानता है कि अवधेश सिंह कोई है जी जी। अच्छा ये ईटा किस में यूज किया जाएगा? ये जमीन में आप देख रहे हैं जो ईटा आप दिखा रहे हैं ये वो ईटा है, वो ईटा जो देख रहे हैं आप वहाँ गिरा हुआ है बाकायदा, हम आपको क्या कहते हैं चिमनी वाले के यहाँ से जो आया है कागज वो भी दिखा सकते हैं, 1 नंबर का ईंट का वो है, 3 नंबर ईंट का में प्रयोग किया जाएगा ये जी, जमीन में प्रयोग किया जाएगा जी। और उसमें जो बचा खुचा होगा टूटा भांगा उसको हम लोग सेफ्टी हाउस जो बन रहा है उसमें डालेंगे ईंटा को तोड़ के। इसमें अभी कितना का माल बना टोटल? 1 बोरी का माल बना है, 12 तसला ये है बालू, 1 बोरा सीमेंट है 12। आपका घर खड़ा ही है? आप भी मुंशी? हाँ। आपको पता है बताइए लागत कुछ? लागत सर देखिए अभी तो ये बोर्ड के लिए अप्लाई करवा दिया है ठेकेदार साहब, बोर्ड नहीं लगाए हैं, ये बात सत है कि नहीं कि बोर्ड आपका नहीं लगा हुआ है? नहीं ये बात सत है, लगेगा इसका प्रक्रिया के पास जो जब से चालू हुआ है तब से, तब से आप एक गांव के हैसियत से छोड़ दीजिए एक मुंशीगिरी उसके साथ कर रहे हैं आप रह के उसके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं पता है कि कितने की लागत से बन रहा है? नहीं ये बात तो सही है, पूरा एस्टीमेट मुझे नहीं दिया है। देखेंगे या इस गांव के हैं नहीं, 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 दर्शक देखेंगे तो अगर ये स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है तो कितने की लागत से बन रहा है? ठेकेदार जी अभी नहीं बताए हैं, बस इतना तो पता है 1,70,00,000 का बोला गया है, लेकिन हम एस्टीमेट में नहीं देखे हैं इसमें, लेकिन उसमें कन्फर्म नहीं है। सीमेंट तो अभी अल्ट्राटेक है और उसके बाद SCC है और उसके बाद एक नया वो कौन सा आया है कौन सा ग्रेड का सीमेंट यूज कर रहे हैं?
एसीसी का कर रहे हैं। ग्रेड 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 होता है ये बी सी डी, कौन से ग्रेड का यूज़ करते हैं? पढ़ा लिखे ये जानकारी नहीं है सर मुझे। सबसे बड़ा गलती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल गलती है, जो बाकी गलती चलती है इसकी जो जो है बोर्ड वगैरह का वो हम आगे करवा देंगे। ग्रेड हम दिखा सकते हैं या आप खुद देख लेंगे? बिल्कुल देख के लाएंगे कि अगले बार से गलती है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, जो है हम सुधारेंगे, जो कमी है हम सुधार देंगे, बाकी बोर्ड का हम लगवा देंगे। बोर्ड कब लगवा? हम अभी बात कर लेते हैं अपने ऊपर ठेकेदार साहब से, दो चार दिन में हम कहते हैं लगवा देंगे। अच्छा गुस्साना नहीं है? हम नहीं गुस्साते हम पे, नहीं नहीं ऐसा बात सवाल पूछने के हम लोग सीनियर हम लोग को। सर जी देखिए, सर जी हम लोग को खुद हमदर्दी है, हमारे यहाँ अस्पताल बने और बढ़िया से बढ़िया बने तो हम घुसाएंगे नहीं। झूठे से आता है आदमी क्या करने के लिए? उंगली करने के लिए। अभी तक मैं आप जैसा 25 पत्रकार यहाँ पे आ चुका है जो कि काम को एरने के लिए आता है, 1000-2000 रुपया लेके यहाँ से चला जाता है। पत्रकार आपसे पैसा लेता है? जी हम भी पत्रकारिता करके पत्रकार क्या होता है उसको समझ के उसके बाद छोड़ के ये सीमेंट गिट्टी देख रहे हैं। अच्छा कौन सा चैनल और करते थे? चैनल में नहीं करते थे, दैनिक जागरण में करते थे। दैनिक जागरण जी पूर्व रिपोर्टर है? जी। कितना दिन आप रिपोर्टर है? लमसम 5-7 साल किए, देख लिए पत्रकार क्या करता है, पत्रकार क्या सब कर सकता है। पत्रकार के जेब में रुपया या पत्रकार घर गया तो वो बात, इसलिए सुनिए सर, इसलिए हमें पत्रकार पे चिढ़ा, पत्रकार को जब देखते हैं तो उस पर चिढ़ आता है, इसीलिए आप हम पे गुस्सा गए। जी सत्य बात है, पत्रकार सुनिए सर, पत्रकार काम देखने नहीं आता है, पत्रकार अपना जेब भरने आता है। अच्छा ये बताइए ना, हमारी टीम आई आपसे पैसा का मांग किया जाए? नहीं आप नहीं, तो आप पत्रकार कैसे बोल रहे सर? हम ये हम नाम नहीं लेंगे, बस सुनिए हम नाम नहीं लेंगे। ऐसा भी पत्रकार यहाँ आया, 1000 रुपया जेब में दे दिया, उसके बाद आज तक दिखा नहीं, फिर 2-4 महीना में आएगा, 1000 रुपया दे देगा फिर चला जाएगा। तो वो आदमी मेरा भलाई क्या करने आया? कुछ नहीं करने आया, भलाई तो वो आएगा जो 2 घंटा देखेगा हाँ काम कैसे होता है। अच्छा अभी हमारे टीम के लोग जितने भी पत्रकार साथी है आपसे कोई जोर जबरदस्ती या पैसे नहीं, नहीं, कभी डिमांड किया नहीं, नहीं। फिर आप हम ही को सुना रहे हैं और हमारे चैनल पे ही? अरे महाराज सुनिए सर, इसलिए सुना रहे हैं कि आपका ये चैनल है, हाथ से लिखने वाला पत्रकार का चैनल नहीं होता, उसको कोई पढ़ता नहीं, उसको मूर्ख आदमी भी देखेगा और पढ़ा लिखा आदमी भी देखेगा, इसलिए इस पे कह रहे हैं, पत्रकार पे उंगली उठा रहे हैं, पत्रकार पे उंगली उठा रहे हैं। जी देखिए इसका कारण है घुसाने का, पत्रकार पे ब्लेम लगा रहे हैं कि पैसा मांगने आते हैं, लेकिन हमने इनसे पैसा नहीं मांगा फिर भी ये हम पर ही गुस्सा गए। गुस्साने का कारण, गुस्साने का कारण क्या है आप तो सर ही बताएंगे क्या? सर ज़्यादा मतलब हम लोग से पत्रकार की टीम से आपको एलर्जी है? सर उसमें हम काम किए हैं, उस गंदगी को देखे हैं, इसलिए हमको मतलब पत्रकार एक गंदगी है? जी जी आप गंदगी का एकदम से गंदगी है। पत्रकार अगर चाह लेगा तो कहीं गलती नहीं हो सकता है। और सुनिए सर गंदगी कैसे कर रहे हैं? तो नहीं सवाल बोल रहे फिर जी जी गंदगी कैसे? इसलिए कह रहे हैं कि पत्रकार के जेब में पैसा मिलता है, आंख मूंद के चला जाता है। कौन से पत्रकार आपसे? ढेर सारे सर जी, हम भी इसी खेत के मूली थे कल। और तो मतलब ये आप हम उखड़ गए हैं गंदगी? आप दैनिक जागरण में रह के आप समझते हैं कि पत्रकार एक गंदगी है? जी सर देखिए पत्रकार कह रहे हैं कि हम दैनिक जागरण में रिपोर्टर थे, हम छोड़ चुके हैं, लेकिन पत्रकार एक गंदगी है। इसकी मानसिकता जो है वो देखिए, पढ़े लिखे इंसान है और इसी गांव के हैं, इसकी मानसिकता देखिए कितने, आप खुद ही जान रहे होंगे कितने इसकी मानसिकता गलत सोच है इनकी, और सोच ये बता रहे हैं पढ़े लिखे हैं, खुद ही सोच रहे होंगे, खुद पढ़े लिखे इंसान है, खुद आप बता रहे हैं कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं हम, इसके साथ मुंशी में शुरू से काम कर रहे हैं और हम इसमें मुंशी है, ये खुद अपने योजना, क्योंकि खुद अपने योजना से ये बोर्ड का जो है वो नहीं लगवा पाए और इनकी जो लागत है वो भी इनको पता नहीं।